हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर से हमारे पास एक मशीन है टॉप लोडिंग, और मशीन के बारे में जैसे कि बहुत कुछ जानकारी आपको देते रहते हैं हर टाइम। और आज हम फिर से देने वाले हैं एक एरर के बारे में, जो कि छोटा एरर है लेकिन बहुत ही बड़ा एरर है। कभी कभी समस्या इतनी बड़ी आ जाती है कि आपको एरर समझ में नहीं आता किस वजह से आ रहा है। हाँ जी, उस एरर का नाम है OE एरर, जैसे कि हम मशीन में आपको दिखा रहे हैं इस समय। और ये OE एरर मशीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमने जो कुछ जाँच करनी थी वो सब कुछ कर लीजिए, जो आप देखते होंगे नॉर्मल तरीके से वो दिखाएंगे वीडियो में, हम आपको वो सब देख लिया। लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एक बड़ा फॉल्ट निकला, वो क्या फॉल्ट हो सकता है हम सब दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर नॉर्मली आप जानते हैं ड्रेन से रिलेटेड OE एरर होता है, अगर नहीं जानते तो आपको बता देता हूँ ड्रेन से रिलेटेड होता है। अगर ड्रेन नहीं होगा हमारा तो OE एरर मशीन यहाँ पर शो करेगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप देख रहे हैं घर का टैक्स बजट, और मैं आशीष, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसमें कितना बड़ा फॉल्ट था इसके अंदर। अगर OE एरर शो होता है, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ड्रेन पाइप को चेक कर लें कि ड्रेन पाइप कहीं से जो है ऐसा तो नहीं मुड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो है ड्रेन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमने इसके ड्रेन पाइप को चेक करा, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनता है। ड्रेन पाइप को चेक करने के बाद क्या हुआ कि ड्रेन पाइप में ना ही कुछ चीज़ अटकी हुई थी, ना ही कुछ भी इसके अंदर कचरा वगैरह था, बिल्कुल साफ एकदम ये था। फिर हमारा दूसरा फर्ज बनता है ये ब्लैक वाला जो पाइप है इसे भी हम चेक कर लेंगे, इसके अंदर तो कुछ अटका हुआ नहीं है। फिर ये हमारी आती है ड्रेन असेंबली। ड्रेन असेंबली में कोई सिक्के वगैरह तो नहीं अटके हैं किसकी वजह से जो है कोई दिक्कत आ रही हो। लेकिन उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी ड्रेन मोटर को भी यहाँ पर चेक कर लें, यानी कि जो मोटर ड्रेन करती है टॉप लोडिंग के अंदर उसे भी चेक कर लें। हमने चेक करा फर्स्ट पॉइंट, पहले पाइप देखा ड्रेन का, वहाँ फॉल्ट नहीं मिला। फिर हमने देखा ब्लैक वाला पाइप, उसे भी देखा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं मिली हमें। उसके बाद हम गए अपने ड्रेन असेंबली में, उसमें भी कोई सिक्के वगैरह अटके हुए नहीं थे क्योंकि नई मशीन ये थी। उसके बाद हमने इसमें चेक किया थर्ड पॉइंट हो गया, यानी फोर्थ पॉइंट जो था हमारा, हमने चेक किया इसके जो अंदर ड्रेन मोटर लगी होती है जिसका काम होता है इसे पानी को ड्रेन करना। हमने देखा खिंच रही है नहीं खिंच रही, वो भी खिंच रही थी प्रॉपर तरीके से, तो यानी कि हमें फॉल्ट समझ में नहीं आया आप क्या मैटर हो सकता है। उसके बाद हमारा दिमाग फिर भी इस प्रेशर स्विच पर गया क्योंकि इस फॉल्ट में और कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए जो हम प्रेशर स्विच भी यहाँ पर चेक किया। प्रेशर स्विच में भी कोई हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दी, हालांकि हमने नया लगा के देख लिया, लेकिन उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम हमें दिखाई दी सामने सामने। आप इसमें ये भी नहीं कह सकते ड्रेन नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं पूरे फर्श में यहाँ पर पानी हो गया ड्रेन की वजह से। तो हमारा फर्ज बनता था मशीन को यार ओपन कर लिया जाए। काफ़ी कुछ हमने इसमें ट्राई करके देख लिया था, सब कुछ देख लिया था। अब हमारा फर्ज बनता था सेफ्टी, एक बार इसके ड्रम को खोल के देख लेते हैं क्या कहीं पर कचरा तो अटका नहीं है ड्रेन के किसी हिस्से में। तो हमने इसी चीज़ को चेक करने के लिए पूरी मशीन को यहाँ पर खोल डाला। फिर से हमने एक जुगाड़ जो हमने यहाँ पर बना रखा है गोटी का, इसमें पाना, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या आपने किस चीज़ से यह बनाया, तो हमने एक पाना को जो है काट कर और उस पर एक पाइप लगा लिया, उसे जुगाड़ वजह से बनाकर हमने बना लिया इसके एक गोटी बड़ी सी, जिसके सहायता से हम इस नट को यहाँ पर खोल लेते हैं आसानी से। जो भी हम सर्विस दिखाते हैं आपको फुल सर्विस केमिकल वॉश वगैरह, वो इसी से हम खोलते हैं। और इस तरीके से हमने खोलने के बाद हमारे इनर टब को निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो आपका आउटर टब होता है उसमें यहाँ पर एक छेद होता है जिसके जरिए पानी ऊपर की तरफ को चढ़ता है और प्रेशर स्विच हमारे से सेंस करता है। तो यहाँ पर ही पानी हम जब भरते हैं ड्रम में तो इस छेद के सहारे वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। बाहर की साइड आप देखेंगे तो ऊपर की साइड आपको मिलेगा थोड़ा, यहाँ से नीचे की तरफ से पानी जाने के लिए बनाया हुआ होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कुछ चीज़ तो अटकी भी नहीं है। यहाँ पर जब हमने देखा ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि मशीन पूरी तरीके से साफ़ ही एक तरीके से, क्योंकि बहुत गंदी मशीन हमें देखने को भी मिलती है। तो हमने कहा इसे डिसमेंटल कर लेते हैं फिलहाल, हार्नेस को थोड़ा अच्छी सेफ्टी की तरह से हमने हटा लिया एक साइड को, और आपको दिखा लेते हैं कि जैसे कि हमने दिखाया था इनर टब हमने निकाल लिया था, अब आउटर टब था। आउटर टब में क्या करा हमने, बिना बाहर निकाले इसमें पानी भरना शुरू कर दिया क्योंकि पूरी मशीन को बाहर निकालना बहुत बड़ा झमेला था, फिर से इसे पूरा वो करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम उसमें भी लग जाता है। हमने क्या करा डायरेक्ट पानी इसमें भर लिया क्योंकि वैसे पानी भरने में बहुत देर यहाँ पर लगती, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉल्ट दिखाई दिया कि जो पानी चढ़ता है यहाँ पर बहुत ही कम, बिल्कुल एक एक बूंद आ रहा था। फिलहाल अभी हमने इसमें जो है एक सिक के जरिए से अंदर छेद कर दिया था जिससे जो है तेज आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ अटकी हुई थी, अब ये समझ में नहीं आया कि स्टार्टिंग सही थी कि कभी बीच में फंसी हो, क्योंकि इस मशीन जो है स्टार्टिंग से प्रॉब्लम कर रही थी ऐसा कस्टमर का कहना था। तो हमने इसमें एक सीख के जरिए और एक पेचकस, पतला वाला पेचकस के सहायता से इसे पूरा साफ कर लिया अंदर तक, और अंदर से भी पानी का प्रेशर मारा और बाहर से भी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर लगा था कि पानी का प्रेशर, जब तक आपके प्रेशर स्विच के अंदर नहीं आ गया जब तक मशीन सेंस नहीं कर पाएगी उसे, जब उसे सेंस ही नहीं कर पाएगी तो मशीन जो है यहाँ पर OE एरर दिखा रही थी बिल्कुल, मतलब वॉश तो आपकी कंप्लीट करेगी, वॉश बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर देती है, और रिंस पर आकर जो है ये अटक जाती थी। तो सेम ऐसा ही हो रहा था, रिंस पर अगर मशीन अटक जाती थी वॉश पूरा कंप्लीट कर देती थी, और जो है स्पिन भी अगर आप खाली स्पिन चलाएंगे तो स्पिन भी अच्छा कर देती थी। तो हमने पानी भर लिया, उसके बाद हमें यहाँ फॉल्ट देखने को मिला कि पानी अभी भी जो है हम जो देख रहे हैं ये भी इसकी कोई स्पीड नहीं है अच्छी, जो होनी चाहिए वो स्पीड नहीं है उसमें। काफ़ी अच्छे खासा छेद करने के बाद जब हमें लगा कि प्रेशर अच्छा आ गया है, तो उसके बाद हमने क्या करा, अपने जो इनर टब था हमने उसे फिर से इसके अंदर को डुबा दिया, ऐसे पानी में रखे रखी जितना पानी हमने भरा है, क्योंकि पानी वेस्टेज होता है अगर हम इसे जो है
निकालने के बाद दोबारा लगाते हैं तो पानी दोबारा से हमें भरना पड़ता बहुत सारा, और फिर वेट करना पड़ता काफ़ी टाइम के लिए। तो हमने जल्दी निपटाने के लिए इसे क्या करा, ऐसे ही पानी भरे भरे में इसे जो है पूरा नट वगैरह जो निकाले थे हमने फिर से इसे लगा दिए यहाँ पर। तो आप दिखाएंगे कि वही यार क्या इससे सॉल्व हो गया, क्या आगे कुछ और भी करना पड़ा हमें? तो पूरा देखिए अभी वीडियो एंड तक, थोड़ा बहुत और बचा है वो चीज़ भी हम आपको बता देंगे। जैसे कि आपको बताया था जैसे निकाला था हमने उसी तरीके से हमने इसे फिर से लगा लिया है यहाँ पर। रहेगी हमारा पल्सेटर, पल्सेटर को भी हम इसमें फिट कर देते हैं अच्छे तरीके से। और फिट करने के बाद अब देखना रह जाएगा इसका ट्रायल कि क्या मशीन अभी भी वही एरर शोर करती है, क्योंकि ऐसे तो हमसे चला नहीं सकते थे और ना ही हमें पता लग पाता कि वही एरर यहाँ पे हुआ है। तो जब तक ये फिट करते हैं अब तक मैं आपको बता देता हूँ हमने इसमें जो है बहुत कुछ चेंज कर दिया था यार। हार्नेस होती है, अंदर की जितनी वायर्स होती हैं सब चेंज करके देख ली थी, फिर से स्विच भी चार बार चेंज करके देख लिया था, ड्रेन मोटर भी हमने चेंज कर ली थी इसके अंदर में, मेन पीसीबी डिस्प्ले पीसीबी भी चेंज कर दी थी। तो बचा ही क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ देखे जाए तो एक मोटर के अलावा जो मेन मोटर थी उसके अलावा ड्रेन मोटर तक हम चेंज कर चुके थे यार इसकी। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेन से रिलेटेड इतना बड़ा हुई एरर कैसे हो सकता है। तो आपके सामने भी प्रॉब्लम आ सकती है, और मैंने अभी तक इसका यूट्यूब में भी कोई वीडियो नहीं देखा, ना ही किसी को भी मैं मानता हूँ ओवरऑल इंडिया के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। आपके साथ भी आ सकती है, हो सकता है नई मशीन में भी देखने मिल जाए, पुरानी में भी देखने मिल जाए। तो इसलिए हमने ये आपके साथ शेयर कर दिया। इस पाइप की वजह से जो प्रेशर स्विच का पाइप होता है, अगर इसमें पानी नहीं जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है, वो वही एरर जैसे कि हमें परेशान किया था और आप लोगों को हमने दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो इसलिए जो है हमने इसे पूरा क्लियर करने के लिए और आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए सर यहाँ पर आपके सामने वीडियो बना गया और आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो फिलहाल हमने इसे सब कुछ लगाने के बाद पाइप और प्रेशर अच्छा लगा हमें, तो हमने उसके बाद इसके स्विच के पाइप को जो है दोबारा से यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद चला के देखी मशीन, तो यहाँ रिंस पे नेट के देखिए 2 मिनट में यहाँ पर मशीन आ चुकी है। स्टार्टिंग से हमने पूरा वॉश लगाया था और यहाँ पर रिंस पे आ चुकी है और एंड भी हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से मशीन चली, ना ही कोई ओई एरर दिखाया, ना ही किसी तरीके का एरर इसने दिखाया, ड्रेन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया, मशीन भी बिल्कुल एकदम ओके हो गई थी। तो इस बात से हमें ये सीखने मिला है कभी कभी एक छोटा सा एरर जो है इतना बड़ा एरर बन जाता है कि आपकी सरदर्दी जो है यहाँ पर बन जाता है। और उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ बनाते रहते हैं आपके लिए डेली कंटेंट्स बहुत बेहतरीन वाले और जो है अच्छे अच्छे एररों के साथ में, और भी ज़्यादा जानकारी हम आप लोगों को देंगे, हमारे साथ जुड़िएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और आपकी प्रॉब्लम अगर इससे सॉल्व हो जाए तो यार कमेंट में जरूर लिख देना, अगर नहीं होती है उसके बाद भी लिख देना, हम और भी कुछ आपको बताएंगे, एक दो चीज़ें होती हैं अंदर की वो चीज़ें भी आपको बता देंगे। फिलहाल इन चीज़ों से आपका सॉल्व होने वाला है, जैसे कि हमने बताया था सबसे पहले आपको वही एरर में देखना है अपना ड्रेन का पाइप कहीं मुड़ तो नहीं रहा है। ये चीज़ आप घर में भी रेगुलर अगर आपकी मशीन है आप खुद देख सकते हैं वही एरर में, पहले ड्रेन पाइप चेक करें उसके बाद अपना देखें ड्रेन सील में सिक्के वगैरह तो नहीं अटक गए हैं, और ड्रेन मोटर भी आप चेक कर सकते हैं, प्रेशर स्विच उसके बाद देखें आप कि पाइप वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है, होज असेंबली भी देख सकते हैं, हालांकि आगे की जो चीज़ टेक्निकल चीज़ों में है। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही था, मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।